सुनाओ कि यहाँ जो है इंडिया गठबंधन की सबसे अच्छी स्थिति, जो बेरोजगार के रोजगार दबाए वही उसी को हम वोट दें। मुस्लिम कंट्री को हर जन जो है अलग अलग हो, इसलिए जब मेरी उनका नाम बहन जी आई उस चुनाव में तो मैंने तो उन्हीं को स्वीकार किया। तो कहीं भी मोदी जी केवल नाम, बाकी रहना तो नहीं लापता है, उनके तो पोस्टर भी छप चुके हैं, गुमशुदा सांसद, गुमशुदा जी तलाश। अच्छा भाई, चेहरा भी तो चाहिए, केवल मोदी जी थोड़ी ना है। विपक्ष है, उनको तो भगवान राम भी सपने में दिखते थे, मतलब उनके लिए काल्पनिक थे भगवान राम, तो इसलिए इन ऐसी बातों में कोई मुद्दा नहीं बनता है। वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करके उसको गिराना चाहते हैं। नमस्कार, amarujala.com के लिए मैं चंद्रभान यादव आज जालौन लोकसभा क्षेत्र के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र में मैं हूँ। यहाँ ढेर सारे मतदाता बैठे हुए हैं, रोडवेज का पुराना कैंपस है। हम आप लोगों से जानेंगे कि यहाँ भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र का चुनाव किस दिशा में जा रहा है, क्योंकि ये कानपुर देहात में आता है लेकिन लोकसभा क्षेत्र जालौन से जुड़ी हुई है। बता दें कि यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने निवर्तमान जो सांसद अभी यहाँ से हैं भानु प्रताप वर्मा जी को दोबारा चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि समाजवादी पार्टी ने नारायण दास अहिरवार को टिकट दिया है। बहुजन समाज पार्टी ने सेवानिवृत्त बिजली विभाग से सेवानिवृत्त अधिकारी हैं सुरेश चंद्र गौतम, उन पर दांव लगाया है। तो हम आइए मतदाताओं से जानते हैं कि इस लोकसभा क्षेत्र में कौन कौन से काम हो गए हैं और कौन से बड़े काम बाकी हैं, जो नया सांसद चुना जाएगा उससे आप लोग क्या उम्मीद करते हैं। आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम देवव्रत यादव। तो देवव्रत जी, यहाँ का चुनाव किस दिशा में जा रहा है? चुनाव जा रहा है, समाजवादी पार्टी चुनाव जीत रही। जीत रही है, तो नया जो सांसद चुना जाएगा उससे इस इलाके के लिए क्या आप डिमांड रखना चाहते हैं, क्या यहाँ की जरूरत है? शिक्षा व्यवस्था अच्छी हो, स्वास्थ्य की व्यवस्था अच्छी हो जी, बेरोजगारी खत्म हो। बेरोजगारी यहाँ बड़ा मुद्दा है? नहीं, बेरोजगारी मुद्दा नहीं, मतलब जो बेरोजगारी है वो खत्म है जी। तो आप बेरोजगारी की बात कर रहे हैं, हमारे बीच में और युवा साथी हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम विवेक यादव है। विवेक जी, चुनाव की क्या स्थिति? चुनाव की स्थिति यहाँ पर तो इसी हिसाब से देखा जाए तो साइकिल आगे निकल रही है, और बाकी ये भोले सिंह जी का जो काम है बहुत बढ़िया रहा, लेकिन इस बार क्या है जो माहौल है, माहौल थोड़ा विपरीत में है उनके, इस समय साइकिल आगे चल रही है यहाँ से। आप बताइएगा अपना नाम। सुनील तिवारी। तिवारी जी, यहाँ क्या लोगों की उम्मीद क्या है सांसद से? यहाँ लोगों की उम्मीद ये है कि सांसद रहे तो जनता के बीच में रहे, ये नहीं कि सांसद एक बार बन गया फिर यहाँ पे वो दोबारा जनता के बीच आए ना, आए तो केवल अपने कुछ लोगों के पास आए उसके बाद चला जाए। तो और इसके साथ साथ जैसे कुछ विकास कार्य कम हुए हैं उस हिसाब से थोड़े ज़्यादा होने चाहिए, ज़्यादा होने बस, और यही एक सांसद से अपेक्षा। आइए और भी लोग हैं, आप अपना नाम बताइए। तो देवेश, हेलो, यहाँ किस दिशा में जा रहा है चुनाव? यहाँ का चुनाव अरे यहाँ तरफ के साथ जा रहा है और कमल खिलने जा रहा है जी। हर तरफ, चारों तरफ केवल कमल, मतलब मोदी जी के नाम पर वोट पड़ेगा, मोदी जी के नाम पर पड़ेगा। और हमारे जो यहाँ के विद्यमान सांसद हैं, हृदय प्रिय लोकप्रिय सांसद भानु प्रताप वर्मा जी, जो भारत के उत्कृष्ट सांसदों में जिनकी गिनती होती है, ईमानदार सांसदों में, ये बड़े ही सौभाग्य की बात है कि हमारे क्षेत्र को इस तरह का ऊर्जावान, सुव्यवस्थित और सभी लोगों के बीच रहने वाला सांसद मिला है, और हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं। तो हमारे बीच में एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। अंबुज पराग दुबे। तो क्या स्थिति है यहाँ चुनाव की? यहाँ चुनाव की स्थिति भारतीय जनता पार्टी की ओर है। अच्छा, देखा जाए तो यहाँ पर भानु प्रताप वर्मा लगभग 4 बार से सांसद हैं, और उन्होंने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं, जैसे कि कई जो लोकल के मुद्दे थे हमारे, जैसे अब देखा जाए तो काल्पी का पुल जो सपा के टाइम से पास हुआ पड़ा था, लेकिन यहाँ पर कुछ बेमई का नहीं, काल्पी जिला जालौन का पुल बहुत दिनों से बन नहीं पा रहा था, किसी जातिगत के कारण नहीं बन पा रहा था, लेकिन मोदी जी की सरकार जैसे ही आई, जैसे ही यहाँ पर योगी जी आए, वैसे उन्होंने तुरंत उसको बनाने का कार्य किया, और आज इससे हर एक जनता लाभान्वित है। कई ऐसी योजनाएं बात कर रहे हैं, हमारे बीच में और भी मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। गौरव यादव। गौरव जी, चुनाव यहाँ किस दिशा में जा रहा है? चुनाव समाजवादी पार्टी की ओर, जो इंडिया गठबंधन की ओर है। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यहाँ का लापता सांसद, केवल चुनाव मोदी जी के नाम पे नहीं होगा,
बस कोई भी सांसद हो कहीं भी हो, मोदी जी कर चुके, मोदी जी केवल नाम, बाकी रहना तो उन्हें लापता है। उनके तो पोस्टर भी छप चुके हैं, गुमशुदा सांसद, गुमशुदा जी तलाश। अच्छा। भाई चेहरा भी तो चाहिए, केवल मोदी जी थोड़ी ना, सांसद भी आए जनता के बीच, जनता के बीच दिखते नहीं है, दो चार लोग हैं गणेश लोग के पास आते हैं चले जाते हैं। अभी कल था यार, अरे कल तो चुनाव अब आ गया, भूल गए। अरे नहीं ले रहे यार, इंडिया गठबंधन की हम लोग भाजपा है, जो उसकी विचारधारा जुड़े लोग वहां रहेगा, बेरोजगारी की वजह से हम और भी मतदाता हैं, गांव में नहीं घुसने देते सांसद का क्राइटेरिया। आप राय लेंगे, आप अपना नाम बताइएगा। हमारा नाम तुमने कहा तो आर्या जी, यहाँ चुनाव की क्या स्थिति है, किस तरह का जो नया सांसद चुना जाए ये, उससे क्या उम्मीद? ये केंद्र का चुनाव है, हमारे मुद्दे राष्ट्रीय, राष्ट्र देश है, राष्ट्र प्रेम है, राष्ट्रीय मुद्दों पे हम अपनी बात रखेंगे। और रही बात सांसद लापता होने की, तो ये विपक्ष की केवल एक प्रोपेगेंडा चलाया हुआ है। विपक्ष के लोग पोस्टर कहीं भी लगा दें, हमारे सांसद पब्लिक के बीच में रहते हैं। यहाँ अभी रेलवे स्टेशन का रेनोवेट हुआ तब भी सांसद जी रहे थे, कई ट्रेनों का ठहराव सांसद जी ने करवाया, आसपास गांवों में कई रोडें सांसद जी ने बनवाई। आप अगर राष्ट्रीय स्तर पे आप जाएंगे तो IIT पहले कितनी थी, अब कितनी है आप देख लीजिए। एम्स कितने बनाए, हर स्टेट में एक एम्स देने का काम किया है। IIM बनाए हैं, अटल टनल बनाया, अटल सेतु बनाया, चिनाव ब्रिज बनाया, आर्टिकल 370 खत्म की, उसके बाद ट्रिपल तलाक खत्म किया और राम मंदिर बनवाया। आपको 4 करोड़ लोगों को कॉलोनी दी, 12 करोड़ शौचालय दिए, आयुष्मान योजना दी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि आप सरकार की ओर से किए गई ढेर सारी उपलब्धियों को बताते हुए जो है उसी के पक्ष में हैं। हमारे बीच एक और मतदाता हैं, आप अपना नाम बताइएगा। मेरा नाम अक्षय त्रिवेदी है जी, और मैं मोदी जी के पक्ष में हूँ जी। इसलिए भी हूँ क्योंकि जैसे यहाँ के लोग चर्चा करते हैं कि सांसद लापता है, जो विपक्ष है उनको तो भगवान राम भी ला सपने में दिखते थे, मतलब उनके लिए काल्पनिक थे भगवान राम। तो इसलिए इन ऐसी बातों में कोई मुद्दा नहीं बनता है, वो सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति को टारगेट करके उसको गिराना चाहते हैं। पर ये नहीं जानते हैं जब आप एक को खींचते हैं पीछे तो उसके वो 100 कदम आगे बढ़ता है। यहाँ हम देख रहे हैं कि हमारे बीच में अलग अलग खेमे में बटे हुए लोग हैं। इस तरह जो अभी तक हमारी बातचीत हुई आप लोगों से, उससे एक चीज़ तो स्पष्ट हो गई है कि यहाँ सीधी लड़ाई भाजपा और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी के बीच में है। फिलहाल हम देखते हैं कि मतगणना के बाद यह क्षेत्र जो है किसे दिल्ली पहुंचाता है। ढेर सारे मतदाता हैं, शाम का वक्त है, आप लोग आपस में चर्चा कर रहे हैं, हम भी जानेंगे कि यहाँ का चुनाव किस दिशा में जा रहा है। यहाँ भारतीय जनता पार्टी ने भानु प्रताप वर्मा पर दोबारा दांव लगाया है, तो समाजवादी पार्टी ने नारायण दास अहिरवार को चुनाव मैदान में उतारा है, जबकि बसपा ने सुरेश गौतम को प्रत्याशी बनाया। तो आइए मतदाताओं से हम जानते हैं कि इस क्षेत्र का चुनाव किस दिशा में जा रहा है और ये क्या सोचते हैं चुनाव को लेकर के। अपना नाम बताइएगा। तो अशोक जी, चुनाव की यहाँ क्या स्थिति है? चुनाव की बिल्कुल क्लियर है, भानु प्रताप वर्मा जीतेगा जी। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह है कि उसकी ईमानदारी। अच्छा, आप भानु प्रताप वर्मा जी के साथ हैं, तो हमारे बीच में दूसरे भी मतदाता हैं, हम आपसे जानेंगे कि यहाँ क्या है चुनाव। माहौल अच्छा है जी, और मोदी की वजह से यहाँ प्रताप जी को बहुत अच्छा मिला। अच्छा मिला जी। आप बताइएगा, नाम बताइएगा। नाम आयुष वर्णी जी। और क्या, सब बढ़िया है? हाँ हाँ, और बढ़िया है। इधर के लोग किस दिशा में जा रहे हैं? अच्छा, आप बताइए, अपना नाम बताइए। इमरान वर्मा। वर्मा जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की तो यहाँ और जगह की तो पता नहीं, गांव मुमराबाद की है। मुमराबाद में लगभग सभी समाज के लोग रहते हैं जी जी। यहाँ मुस्लिम भी 40% है गांव का जी जी, और सब लोग हैं, तो यहाँ आपस में भाईचारे से रहता है। वैसे तो यहाँ अति संवेदनशील बोलेंगे, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा कुछ है नहीं, और जो सब 4 लोगों की सलाह बनती है वो वहाँ जाता है, सब लोगों की सलाह। यहाँ कोई पार्टी आर्टी का विशेष नहीं, वो नहीं। तो हम और भी मतदाता हैं, आप लोगों से जानेंगे, आप अपना नाम बताइएगा। जगत सिंह। जगत जी, चुनाव की क्या स्थिति है? चुनाव की यहाँ जो है इंडिया गठबंधन की सबसे अच्छी स्थिति है, जो बेरोजगार के रोजगार दे, वही उसी को हम वोट दें।
तो यहाँ हम देख रहे हैं कि बेरोजगारी के मुद्दे पर आप इंडिया गठबंधन के जरिए और भी मतदाता हैं और लोगों से हम राय जानेंगे, आप अपना नाम बताइएगा। मनोज कुमार। तो मनोज जी, चुनाव की क्या स्थिति है यहाँ? बढ़िया स्थिति है। अगला जो सांसद होगा उससे क्या उम्मीद करते हैं आप? रोजगारी ही लाने सबको कि रोजगार की पार्टी बढ़िया, रोजगार होना चाहिए। अभी क्या स्थिति है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अच्छा, आप बताइएगा, आप ढेर सारा चुनाव देखे होंगे, इस बार क्या स्थिति है? मैं इंदिरा गांधी के ज़माने से जी कांग्रेस में वोट जीता रहा। हाँ। अब जब जीता रहा, देते देते जब वो उसमें विभाजन हो गया तो मुस्लिम कंट्री को हरजन जो है अलग अलग हो गया। हाँ। इसलिए जब मेरी उनका नाम बहन जी आई उस चुनाव में तो मैंने तो उन्हीं को स्वीकार किया और उन्हीं को वोट दिया। बहन जी के साथ? हाँ। बहन जी, आप बताइएगा अपना नाम। लखन। लखन। क्या यहाँ चुनाव सांसद कैसा चाहते हैं? हम किसान हैं, तो किसान आदमी। किसानों की क्या क्या समस्या है? अरे कई समस्या है, 45 की बोरी 45 की हो गई, महंगाई इतनी ज्यादा है। जी जी। हाँ। आप आइएगा। सलाम बे जी। किसानों की कुछ समस्या यहाँ कैसी है? किसान की क्या? अरे वही समस्या है सब, ऐसे ही लेता रहे और का है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि मतदाता अलग अलग, सबके रुझान है, अलग अलग विचार है। फिलहाल यहाँ का वोट बैंक किस तरफ जाएगा ये तो मतगणना के बाद ही पता चलेगा, लेकिन बेरोजगारी और किसानों के मुद्दे पर यहाँ लोग लामबंद नजर आ रहे हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।